व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक ऐसे परफ्यूम ब्रांड के ऊपर होने वाला है जिसका मैं अधिकतर रिव्यू नहीं करता, लेकिन किसी मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी तो उनके रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। काफ़ी समय पहले, मतलब 8-9 महीने पहले उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। मैं जस्ट कमेंट स्वाइप कर रहा था तो मैंने देखा था कि उन्होंने एक कोई सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि रैमसन के परफ्यूम के ऊपर वीडियो बनाओ। अब क्योंकि उन्होंने कोई पर्टिकुलर वेरियंट का नाम नहीं दिया था तो मैंने एक रैंडमली जो परफ्यूम उठाया तो उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके नोट्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसी इसकी खुशबू है, क्या लॉन्जिबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। बस आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को, शेयर भी करिएगा। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो वेरियंट है, जो बॉटल है, वो कैसी है। तो ये रहा परफ्यूम, इसका नाम है रैमसन मोंटेसा। ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी बॉटल है, नॉर्मल जो बॉटल से काफ़ी बड़ी बॉटल है ये। ये आप देख सकते हो ये बॉटल गोल्डन कलर की बॉटल है। इस बॉटल का मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, सो बात कर लेते हैं इस बॉटल के बारे में, इस बॉटल का रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, रैमसन का ब्रांड है और मोंटेसा का वेरिएंट का नाम है। तो प्लास्टिक की बॉटल है ये, और ये ढक्कन भी प्लास्टिक का ही है। मुझे लगता है कि बॉटल स्टील की है। हाँ, स्टील की है, लगती थी वैसे प्लास्टिक की थी बट स्टील की बॉटल है ये, और प्लास्टिक का ढक्कन है ये, थोड़ा सा गोल्डन कलर का, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउनिश दिया हुआ है, गोल्डन ब्राउनिश है ये। ये ढक्कन सिंपल सा ढक्कन है। अच्छा, बॉटल आप देख सकते हो, ये रैमसन का लोगो है और ये वेरिएंट का नाम है। गोल्डन कलर का ये दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे स्ट्रिप दी हुई है ब्राउन कलर की। 200 ml की बॉटल है ये, डिओडोरेंट बॉडी स्प्रे, गैस है ये, गैस डीओ है ये। ओके, सो 250 इसकी MRP है, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है ये। आपको मैं आगे लिंक दे दूंगा जो फेज अपना इसका अमेजोन और फ्लिपकार्ट की, तो वहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी मोटी जानकारी दी हुई है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और मार्केट बाय वगैरह वगैरह सारा जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट यहाँ पे दी हुई है। सिंपल सी बॉटल है ये, थोड़ी सी जो लुक है उस पर थोड़ा गोल्डन कलर का फोकस किया गया है। बाकी बॉटल का शेप अच्छा है, मतलब काफ़ी बड़ी बॉटल है, नॉर्मल तरीके से काफ़ी बड़ी बॉटल है ये, बट ठीक है ओवरऑल। तो ये जानकारी थी इस बॉटल के बारे में, इसकी पैकेजिंग के बारे में। आप चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। ओके गाइस, बॉटल का रिव्यू तो हो गया, अब बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो रैमसन ब्रांड है इसके बारे में मैं अधिकतर इसका रिव्यू करता नहीं, क्योंकि इसकी जो खुशबू है, मेरे अधिकतर जो फ्रेंड्स हैं जो यूज़ करते हैं वो कुछ स्पेसिफिक जो है, मतलब एक क्लियर नहीं हो पाते कि इस खुशबू अट्रैक्टिव है या अच्छी है या कैसी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू कर लिया जाए, क्योंकि सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट हो तो फुलफिल करनी ही है। उसके अलावा भी मैं भी चाहता था कि ये मालूम पड़े इसकी खुशबू है कैसी, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। तो अब मैं आपके सामने ये जो वेरिएंट है लेके आया हूँ, रैमसन मोंटेसा। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी खुशबू के बारे में। कंपनी क्या मेंशन कर रही है, क्या नोट्स है, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ी जो बैकग्राउंड की फ़ोटो है उसकी वजह से शायद थोड़ा सा जो नोट्स है वो क्लियर आपको दिखे नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि जो फॉन्ट है थोड़े से लाइट हो। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको। वैसे तो इसकी जो खुशबू है वो जो फ्रूटी और जो फूलों की खुशबू होती है उस कैटेगरी की है, बट जो कंपनी बता रही है जो टॉप नोट है वो लेमन का है, टैंग्रीन का है, मिंट है, सेज है। उसके अलावा जो हार्ड नोट है वो विट्रीवर का है, गलबैनम का है, रोजमेरी है इसके अंदर, और जो बेस नोट है वो ऑकमोस, पचोली, मस्क और जैस्मिन का है। काफ़ी जो बेस नोट है काफ़ी ज़्यादा फूलों का, और जो इसे कहते हैं जो थोड़ा सा वूडी टाइप की जो खुशबू है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है ना मसालों की, जैसे एरोमेटिक टाइप की, वैसी खुशबू है। ठीक है, और जो टॉप नोट है मुझे समझ में आ रहा है जो लेमन का और मिंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, खट्टा और थोड़ा सा कड़वी सी खुशबू यहाँ मिल रही है, और थोड़ा सेज भी है। सेज एक्चुअली थोड़ा सा जो कहते हैं ना फूलों की कैटेगरी में आ जाता है, थोड़ी सी मिक्स खुशबू है। देखते हैं इसके लिए खुशबू है कैसी, चेक करते हैं जो खुशबू कैसी है। तो ये तो अब जाकर आपको मैंने दे दी जो कंपनी बता रही है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ इस खुशबू के बारे में। ठीक है, इसको मैंने शेक किया, गैस डीओ है ये,
जैसे आप देख सब देख पा रहे हो। देखिए रिफ्रेशिंग खुशबू तो है, मैं ऐसा नहीं कहता कि खुशबू ठीक ठाक नहीं है, रिफ्रेशिंग खुशबू तो है, लेकिन जो मैं आपको कहूँ कि इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। मतलब कि जैसे पैकेजिंग आप देख सकते हो बॉटल की, काफ़ी जो लोग होते हैं वो बॉटल की जो खूबसूरती है फिदा हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली मेन जो चीज़ मैटर करती है वो अंदर की कुछ चीज़ मैटर करती है कि इसकी खुशबू है कैसी। ठीक है, ये खुशबू ठीक है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है मुझे स्टार्टिंग में जो अगरबत्ती होती है ना वैसी खुशबू आई। अब इस अगरबत्ती की खुशबू का कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेंट एक साथ डाले हैं। मेरा मतलब है कि आपने एक ही समय पे लेमन भी यूज़ करा है, टैंग्रीन भी यूज़ करा है, ये सिट्रसी हो गई, उसके अलावा सेज यूज़ करा है वो फूलों में आ गया, उसके अलावा आपने मिंट यूज़ करा वो थोड़ी कड़वी सी हो गई, और तीनों को एक साथ आपने मिला दिया एक ही लेवल पे, मतलब आपने बॉटम और बेस तो कुछ ट्राई नहीं किया, एक साथ मिला दिया। उसके अलावा जो भी बेस नोट और मिडल नोट हैं वो भी थोड़े से मतलब ऐसे ही मिक्सचर हैं, तो जब ऐसा मिक्सचर होता है तो खुशबू तो अच्छी बनती है, लेकिन वो ऐसी नहीं बनती जिससे लोग अट्रैक्ट हों या ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना एक अच्छी वाली फीलिंग आए। जैसे ही खुशबू है अभी मैं आपके सामने जैसे मैंने किया और अभी थोड़ी सी खुशबू लाइट हो गई, मतलब मैंने जितना भी परफ्यूम का रिव्यू करा है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ मैंने ऐसे स्प्रे करा और खुशबू जो है थोड़ी सी लाइट हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ, बट आज हुआ। हो सकता है ये गैस की वजह से हुआ, थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर देता हूँ मैं ताकि मुझे खुशबू को पता चल सके। तो देखिए यहाँ पे जो खुशबू है थोड़ी सी खट्टी तो मुझे खुशबू आ ही नहीं रही है, मिंट और सेज का कॉम्बिनेशन यहाँ मुझे फील हो रहा है, लेमन और टैंगरी तो मुझे फील ही नहीं हो रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा ही गैस की खुशबू है यहाँ पे। तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि शायद अगरबत्ती की खुशबू जैसी खुशबू है, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन खुशबू रिफ्रेशिंग है। मतलब आप अगर किसी जैसे आप वेकेशन पे जा रहे हो, छुट्टी पे जा रहे हो, एंजॉय करने जा रहे हो, ऐसी जगह पे खुशबू लगाइए, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरी बात ये है स्कूल कॉलेज के लिए भी ये ठीक है और जो फंक्शन वगैरह उसके लिए भी ठीक खुशबू है, लेकिन ऐसी खुशबू मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे एकदम माइल्ड मौसम चाहिए, आसपास के जो चीज़ है एकदम हल्की सी हो, मतलब एकदम मूड फ्रेश हो मेरा और मैं छुट्टी पे हूँ, वेकेशन पे जा रहा हूँ, वहाँ पे यूज़ करने में अच्छा लगता है। ओपन स्पेस जैसे खुला आसमान हो, आप समुद्र किनारे टहल रहे हो, एकदम मतलब एकदम लाइट और हल्के माहौल में ऐसी खुशबू यूज़ करनी चाहिए आपको। जैसे कि अगर आप कोई स्पेशल डेट पे हो, उस समय आप घर पे अगर ऐसे छिड़कते हो, अपने बॉडी पे ऐसे स्प्रे करते हो तो एक अच्छा सा माहौल बनता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, खुशबू बेहतरीन है लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी जो लॉन्जिबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी कम है। मेरा मतलब है कि मुश्किल से 2 घंटे भी खुशबू नहीं चल पाएगी। ऐसा इसके लिए क्योंकि नोट्स जो हैं वो एक साथ काफ़ी सारे मिक्स हो गए, और जब एक साथ नोट्स आ जाते हैं जो खुशबू की स्ट्रेंथ है वो अपने आप डाउन हो जाती है, जो लॉन्जिबिलिटी अपने आप डाउन हो जाती है, क्योंकि जो नोट्स है वो एक दूसरे को दबा रहे होते हैं, उसकी वजह से खुशबू की जो नोट्स है वो काफ़ी, खुशबू की जो लेयर है वो काफ़ी हल्की पड़ जाती है। बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशबू ठीक ठाक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, खुशबू में अच्छी आपको एक फीलिंग आएगी, बट लॉन्जिबिलिटी कम है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, अच्छा लगाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ, आपको गर्दन के आसपास ऐसा लगाना है, बॉडी पे एक्स बनाते हुए आपको लगाना है, तो उससे थोड़ा सा जो है मतलब बॉडी के अंदर अच्छे से खुशबू रह जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है इसमें ज़्यादा आपको इचिंग नहीं होगी, मतलब जैसे आप नहा के बाहर आए, बॉडी को सुखाया, उसके बाद लगाएं तो इचिंग नहीं होती है। इसी कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी शायद इसके लिए इचिंग नहीं होती, अदरवाइज़ काफ़ी मैंने जो गैस डीओ यूज़ करे उससे इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो आप यूज़ करोगे इससे इचिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये था इसकी जानकारी। प्राइस की बात बता दूँ आपको, प्राइस के बारे में, प्राइस का वैसे तो 250 है इसकी प्राइस, लेकिन ऑनलाइन प्राइस काफ़ी कम है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जानकारी थी, ये जो मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी रैमसन के परफ्यूम के ऊपर रिव्यू करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वो मैंने आज फुलफिल कर दी। उम्मीद है वो जो सब्सक्राइबर जिनके बारे में जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। उसके अलावा जो मेरे बाकी सब्सक्राइबर, जो बाकी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करना। और भी कोई जानकारी चाहिए इस परफ्यूम के बारे में या और किसी डियो या अतर के परफ्यूम के बारे में तो ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।